हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री भारत एंड द वर्ल्ड का चैप्टर 1 जिसका नाम है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन क्लास 10th को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडिया की, वो कहाँ पर डेवलप हुई थी? वो सरस्वती सिंधु जो रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, वहाँ के फर्टाइल जो प्लेन्स वहाँ पर डेवलप हुई थी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इंडिया की। इस सिविलाइजेशन का नाम सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है क्योंकि यहाँ पर बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ जो साइट्स है इस सिविलाइजेशन में पाई गई थी। और कहाँ पर पाई गई थी, वो कौन सी रिवर के बैंक्स पर, कौन सी रिवर के किनारों पर? तो सरस्वती रिवर और सिंधु रिवर, ये दोनों अलग अलग रिवर है, इन दोनों रिवर्स के किनारों पर बहुत सारे जो जगह है पाई गई थी। इसी वजह से इस सिविलाइजेशन का नाम सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन रखा गया है। जो सरस्वती जो रिवर है ना, वो आज के टाइम पर नहीं है, वो लुप्त हो चुकी है। सिंधु जो रिवर है वो इंडिया में भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान में है। जो ये सिविलाइजेशन है, इसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्रोनोलॉजिकली जो ये सिविलाइजेशन है, इसको क्या बोला गया है, ये कंटेम्परेरी है मेसोपोटामिया और इजिप्टियन सिविलाइजेशन। अब ये नहीं है सिर्फ इंडिया के अंदर ही एक सिविलाइजेशन थी, यहाँ इंडिया पूरे के पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अंदर भी बहुत सारी सिविलाइजेशंस जो थी डेवलप हुई थी। अब कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, मतलब कि जो एक चीज़ चल रही है ना, उसी चीज़ के साथ जो दूसरी सेम चीज़ चल रही है। सो ऐसे ही ईरान के अंदर तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी और इजिप्ट के अंदर इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, तो ये सिविलाइजेशन उस टाइम पर थी। इंडिया के अंदर सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन थी, मतलब ये साथ में ही थी। उन कंट्रीज में ये सिविलाइजेशन थी, दूसरी कंट्री में इजिप्ट में ये सिविलाइजेशन थी, और इंडिया के अंदर सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन जो है कंटेम्पररी चल रही थी। 1921 AD में पंजाब के अंदर दयाराम साहनी जो है हड़प्पा को खोजते हैं, और 1922 में रसकल दास बनर्जी जो है मोहन जोदड़ो को सिंध प्रोविंसेस में खोजते, एक्सवेट करते, खुदाई करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके कारण इम्पोर्टेंस जो थी इस अननोन इंडियन अर्बन सिविलाइजेशन, जो ये सिविलाइजेशन पाई गई थी, जो लोग हैं स्पेशली जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इन जगह पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनकी खोज करते हैं, फिर इनको ढूंढते हैं क्या कुछ है इसमें, एक्सपेंशन देखते हैं ये कहां तक एक्सपेंड है। एक्सपेंशन जो थी सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की, वो कहां से कहां थी? आलमगीरपुर इन द ईस्ट, ईस्ट में तो आलमगीरपुर से, और वेस्ट में सुत्कागेंदोर तक थी, नॉर्थ में मांडा से लेकर और साउथ में दैमाबाद तक थी। तो मांडा जम्मू कश्मीर, जम्मू से लेकर महाराष्ट्र के दैमाबाद तक थी, और वेस्ट से ईस्ट थी। तो सुत्कागेंदोर कहाँ है? बलूचिस्तान में सुत्कागेंदोर से लेकर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक थी, इसका एक्सपेंशन था, ये यहाँ तक एक्सपेंड था। और जो ये टोटल एरिया है, ये है 215,000 किलोमीटर था, स्क्वायर किलोमीटर था। और जो डिस्टेंस था, जैसे कि नॉर्थ से साउथ तक का, या फिर जो वेस्ट से ईस्ट तक का, तो जो वेस्ट से ईस्ट तक का था वो 1600 किलोमीटर था, और नॉर्थ से साउथ तक का था वो 1400 किलोमीटर था। ठीक है, ये जो साइट्स है इनकी, जो ये जगह है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न में, राजस्थान, नॉर्दर्न राजस्थान में, गुजरात में, इंडिया और बलूचिस्तान और सिंध प्रोविंसेस इन पाकिस्तान में, ये जगह है पाई गई है वहाँ पर। राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में पाई गई है ये साइट्स, मोहनजोदड़ो सिंध में पाई गई है, हड़प्पा पंजाब में, धोलावीरा गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, जो मेजर टाउन है इस सिविलाइजेशन के, ये मेजर टाउन्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्रोनोलॉजी देखते हैं कि टाइम पीरियड कैसा था। क्रोनोलॉजी जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है, इसको तीन पीरियड में डिवाइड किया गया है। रेडियो कार्बन डेट सजेस्ट करती हैं जो सरस्वती रिवर वैली है, वो इनहैबिटेड बाय फर्स्ट एग्रीरियन कल्चर्स बिफोर 7500 से लेकर 7000 BC तक। अब देखो क्या बताया गया है कि जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है, जो सरस्वती रिवर है ना, वहाँ पर कौन से लोग रहते थे? वहाँ पर सबसे पहले एग्रेरियन कल्चर, मतलब कि सबसे पहले वहाँ पर जो एग्रीकल्चर करते थे ना लोग, वहाँ पर उस वैली के आसपास वो लोग रहते थे जो एग्रीकल्चर करते थे बिफोर 7500 से लेकर 7000 BC के पहले। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर करते थे, वो वहाँ पर पीपल रहते थे। 3200 BC में जैसे ही टाउन की प्लानिंग डेवलपमेंट होती है, या फिर लिखाई वगैरह होती है, मोहरे बनाते हैं, मेजरमेंट के मेथड्स देखते हैं, तो ये जो फर्स्ट जो एग्रीकल्चर कल्चर था ना, एग्रीकल्चर जो कर रहे थे वहाँ पर, एग्रीरियन कल्चर जो था, उसको चेंज किया जाता है फिर रूरल कल्चर में।
एग्रीकल्चर जो लोग कर रहे थे उसको रूरल में चेंज कर दिया जाता है। बाद में जाकर जो ये रूरल है ना, ये अर्बन लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है 2600 बीसी तक। एज अ रिजल्ट जो ये टाउन्स थी, जो फर्स्ट बोला गया ना इंडिया की जो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, फिर एमर्ज होती है 1900 बीसी में। ये जो सिविलाइजेशन है ये स्टार्ट हो जाती है चेंजिंग इनटू रूरल। अब धीरे 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 ये है ना रूरल जो है कल्चर में डेवलप हो जाती है ये दिस अर्बन सिविलाइजेशन। फिर ये जो अर्बन सिविलाइजेशन है फिर ये कोलैप्स हो जाती है 1300 बीसी से पहले। अब टाउन प्लानिंग देखते हैं वहां की, टाउन कैसे प्लान थी। डिस्पाइट सिमिलरली इन द टाउन प्लानिंग ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन एक फ्यू रीजनल डिफरेंसेस एग्जिस्ट। कुछ एक ही डिफरेंसेस है जो अलग अलग टाउन प्लानिंग में देखो। जो ये टाउन थे ना इस सिविलाइजेशन का, वो दो टिलों पर था। टू माउंट्स जो है वहां पर पाए गए हैं, एक पाया गया है वेस्ट में, एक पाया गया है ईस्ट में। तो मतलब यहाँ पर एक टीला है, दूसरा टीला यहाँ पर, टीलों में डिवाइड था यहाँ पर। अब देखो जो रेजिडेंशियल एरिया था, जो रहने का एरिया था, वो तो ईस्ट में सिचुएटेड था। जो किले थे वो वेस्ट में सिचुएटेड था, फोर्ट वेस्ट में था, और रेजिडेंशियल जो एरिया है वो ईस्ट में था। जो ये टाउन्स थे इक्विप्ड विद स्ट्रॉन्ग रैम्पार्ट्स। रैम्पार्ट्स होते हैं जो दीवार होती है ना, दीवार के ऊपर ये लगाते हैं ना स्टोन्स वगैरह लगाते हैं, या फिर मिरर वगैरह लगाते हैं, पत्थर वगैरह लगाते हैं तो बचाने के लिए। तो रैम्पार्ट्स वहां पर लगवाए गए थे टाउन्स के, टाउन्स है ना वहां पर रैम्पार्ट्स लगवाए गए थे। टरेट्स वर बिल्ट ऑन द डिफेंसेस रैम्पार्ट्स, और रैम्पार्ट्स के ऊपर टरेट्स को लगवाया गया था ताकि अच्छी तरीके से डिफेंस किया जा सके। कॉमन मैन, मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन, आर्टिशियंस, वर्कर्स लिव इन द टाउन, शहर में रहते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन का कार्य करते हैं वो, और जो पब्लिक की लोगों की बिल्डिंग्स थी वो, और जो ग्रेनरी स्टोर हाउस जो थे वो लोकेटेड थे फोर्ट, किले के अंदर लोकेटेड थे। किला कहाँ पर था, ईस्ट पे या वेस्ट माउंट पर? किला जो था ना वो हमारा वेस्ट माउंट पर लोकेटेड था। तो यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक बिल्डिंग्स और ग्रेनरी यहाँ पर था। रोड्स का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है टाउन प्लानिंग ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में। जो मेन रोड है वो डिवाइड करता है टाउन को, 5 या 6 ब्लॉक्स में रोड डिवाइड करता है। जो मेन रोड है मोहनजोदारो में वो कितना है, 915 मीटर वाइड है, और जो स्ट्रीट्स हैं वो है 3.0 मीटर वाइड ऑन द एवरेज। जो रोड्स हैं कालीबंगा के, राखीगढ़ी के और मिथल के, वो कैसे हैं, वो भी वाइड है। रोड्स वर, जो रोड्स हैं अनपेव, मतलब कच्चे थे वहाँ के रोड्स। स्पेशल अटेंशन दी गई है सफाई को, जो गार्बेज था ना, कूड़ा जो था, डस्टबिन वर कैप्ट ऑन द साइड, रोड के साइड में कूड़े के लिए डस्टबिन लगाए गए थे कि डस्टबिन के अंदर ही कूड़ा डालना, कहीं और नहीं। तो सफाई देखो कितनी थी उस टाइम पर। जो ड्रेन्स थी, जो नालियाँ थी वहाँ की, हाउस के अंदर जो नालियाँ थी वो, फिर वो कैसे कहाँ जाती थी, जैसे घर घर में जो पानी यूज़ कर लिया हमने, कपड़े धोए या फिर बर्तन वगैरह धोए, नहाने का जो पानी यूज़ किया, वो जो पानी है वो नालियों की हेल्प से बड़े से सीवर में चला जाता है, और फिर बड़े से सीवर से वो कहां है, टाउन के बाहर चला जाता है। देखो जो ड्रेन है, नालियां है घर की, वो बड़ी ड्रेन्स, बड़ी जो सीवर वगैरह है, बड़ी जो नालियां वहां से जुड़ी हुई है ऑन द रोड के साइड पर, और जो वाटर है वो ड्रेन आउट ऑफ द टाउन थ्रू दीज, और इन ड्रेन्स, इन नालियों की हेल्प से जो ये पानी है ये जो है टाउन से बाहर चला जाता है। जो नालियां हैं वो मेनली जो है पक्की ईंटों से बनी गई है, नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया है। जो इनकी विड्थ है और जो इनकी डेप्थ है वो डिटरमाइन करते हैं, जितनी इनको रिक्वायरमेंट होती है ना उसके हिसाब से वो उनकी विड्थ और डेप्थ को बनाते हैं। ऑफन जो ड्रेन्स है उनको कवर करते हैं ब्रिक्स लार्ज साइज, जो बड़ी बड़ी साइज की जो ब्रिक्स ईंटें थी उनसे ड्रेन्स को, उनको नालियों से कवर करते हैं। जो ये नालियां थी ये प्रोबेबली क्लीन, टाइम टू टाइम इनको क्लीन भी किया जाता था। तो क्लीननेस देख सकते हैं, सफाई कितनी थी वहां पर, कितनी अच्छी से रखते थे वो। रेजिडेंशियल जो रहने का एरिया था और जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स थी वो भी पाई गई हैं सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर 3 और 4 कमरे होते हैं, एक किचन होता है, एक बाथरूम होता है, आंगन होता है बिल्डिंग के मिडल में। जो हाउस होते हैं रिच पीपल के, उसके अंदर एक कुआं भी होता है, टॉयलेट्स भी होते हैं। जो एविडेंसेस है पैडियो के, जो एविडेंसेस है स्टेयर्स के, जो एविडेंसेस है वो बिल्डिंग के अंदर पाए गए हैं। जो प्लास्टरिंग विंडो के ऊपर जो प्लास्टरिंग करते हैं ना वो भी पाया गया है, वेंटिलेटर्स का भी पाया गया है, फ्लोर्स का भी पाया गया है, वॉल्स का भी पाया गया है हाउस के अंदर। जो ये एविडेंसेस भी पाया गया है कि घर के अंदर जो है विंडो पे प्लास्टर करते थे, वेंटिलेटर्स, फ्लोर्स, वॉल्स भी थे। ग्रेनरीज, जो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं वो, बाथ और मीटिंग हॉल्स भी पाए गए हैं कम्युनिटी बिल्डिंग्स में। जो ब्रिक्स थी ना वो किस रेशियो की थी, 1:1, 2:3 रेशियो की थी, और 1:2, 4 रेशियो की जो ब्रिक्स थी वो बिल्डिंग्स के अंदर यूज कर रखी थी।
अब हम यहाँ की आर्ट देखते हैं, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की आर्ट कैसी थी। जो स्टोन्स थे, मेटल्स थे और जो क्ले की मूर्तियाँ थी वो मेंशन की गई है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में। इनके अलावा मोहरे भी, बीड्स भी, पोटरी क्या करती है वहाँ का सौंदर्य शास्त्र को इंडिकेट करती है। जो मोस्ट नोटेबल पॉपुलर जो स्टोन मूर्ति है वहां पर पाई गई है, मोहनजोदड़ो में एक ना बहुत फेमस मूर्ति पाई गई है जो कि 19 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जो कि क्या है, खंडित है, फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मूर्ति है एक मैन की जो क्या पहना हुआ है, एक शाउल को पहना हुआ है वो, जो कि शैमरॉक ऑर्नामेंटेशन से बनी हुई है। अब एक मूर्ति और पाई गई है वर्ल्ड फेमस मेटल डांसर की, वहां पर एक और मूर्ति पाई गई है डांसर की मोहनजोदड़ो से, जो क्ले की मूर्तियां हैं मैन की, वुमेन की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, वो भी पाई गई हैं। क्ले आइडियल क्ले की मूर्तियां भी पाई गई हैं, ह्यूमन्स की भी पाई गई है, और साथ में उनके अंदर गहने भी जो है, भूषण भी है ना, वो भी पाए गए हैं, और हेड ड्रेसेस और सिर पर जो हैट वगैरह पहनते हैं वो भी पाई गई है। एनिमल्स और जो बर्ड्स है वो भी इंक्लूड, जैसे कि बुल्स, शिप्स, गॉड्स, डॉग्स, एलिफेंट्स, पिग्स, पिकॉक्स, डक्स, पैरट्स वगैरह भी पाए गए हैं। मोहरों का भी एक इंपॉर्टेंट जो है प्लेस था सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की आर्ट में। जो मोहरे थी ना वो मेनली स्क्वायर टाइप की थी या रेक्टेंगुलर टाइप की थी, जिसपे एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, देवी देवताएं, स्क्रिप्ट्स वगैरह उसपे ऊपर छपे हुए थे। ज्वेलरी, ज्वेलरी में जैसे बीड्स हो गया, बेंगल्स हो गया, नेकलेस हो गया, ब्रेसलेट्स हो गया, रिंग्स हो गई, ये थी किस टाइप की ज्वेलरी थी वहां पर, गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की पाई गई है। अपार्ट इनके अलावा भी जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स है, पॉटरीज है और जो अदर हाउस होल्ड आइटम्स है वो भी वहां पर बनाए गए हैं। अब पॉलिटिकल लाइफ देखते हैं, वहां की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। जो एरिया था सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का वो बहुत ही वाइड था, फैला हुआ था। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाउन प्लानिंग की जो यूनिफॉर्मिटी थी, पोर्ट ट्रेडिशन था, जो पोर्ट बनाने का, टूल्स बनाने का, वेट्स मेजर्स का, सील मोहरे का, स्क्रिप्ट जो है ये हमें बताते हैं वहां पर एक इफिशियंट, बहुत ही अच्छा शासन था। बट वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकृति कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर कैसा था, तो इट वुड बी एक्सट्रीमली, ये कहना बहुत ही डिफिकल्ट है। मिस्टर हंटर एक ओपाइन करते हैं कि जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना वो उस टाइम पर चालू था, उस टाइम पर प्रिवलेंट था सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जहाँ के लोग अपने राजा को खुद चूज करते, तो उस टाइप का वहाँ पर शासन चल रहा था। जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी और जो टाउन फोर्ट्स थे वुड प्रोबेबली हैव बीन यूज्ड फॉर द मेंबर ऑफ द, जो काउंसिल के मेंबर्स थे ना, जिसके अंदर 5 या 10 कितने भी मेंबर्स को वो चूज करते हैं, वो तो क्या पता कितने थे, उन मेंबर्स के लिए क्या बनाई गई थी, बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग बनाई गई थी और टाउन फोर्ट्स, और टाउन के अंदर फोर्ट्स बनाए गए थे सिर्फ उन मेंबर्स के लिए जो शासन करते थे उनके लिए। व्हीलर ये बोलते हैं कि वट एवर द सोर्स ऑफ पावर, में भी जो कोई भी टाइप का पावर क्यों ना हो, रिपब्लिकन फॉर्म हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, या फिर कैसे भी टाइप की जो फॉर्म क्यों ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो रिलीजन था उस टाइम पर वो बहुत ही प्रोमिनेंस था, प्रोमिनेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था, सबसे ऊपर था। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो कि ईरान में थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां का जो शासन था ना टाउन स्टेट्स का, वो किसके हाथ में था, जो वहां के प्रिस्टली रूलर्स थे ना, जो वहां के रूलर्स थे ना उनके हाथ में शासन था, और जो एंटायर लैंड, जो भी लैंड थी ना वहां पे, खाली वगैरह लैंड थी या जितनी भी लैंड थी ना, वो सारी की सारी किसकी थी, वो सारी की सारी टेंपल की लैंड थी, प्रॉपर्टी सारी की सारी टेंपल की थी। स्कॉलर्स जो भी बिलीव करते हैं, जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का जो शासन है वो कंडक्ट किया गया है दो कैपिटल्स, मतलब दो कैपिटल हरप्पा और मोहनजोदड़ो जो है, दोनों की दोनों कैपिटल में जो है अलग अलग तरीके से वहां पर शासन किया गया है, लेकिन जो राखीगढ़ी और धोलावीरा है उसका साइज जो है, उसको भी हम, इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसको भी हम डिनाई, मना नहीं कर सकते धोलावीरा और राखीगढ़ी के बारे में भी। ये जो एंशंट साइट्स है, जो कि पुरानी जगह हैं, इनको भी पाया गया है, इनको भी इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन टाउन्स है ये भी सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की। अब देखो सोशल लाइफ कैसी थी वहाँ की। जो सोसाइटी थी सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की, उसको डिवाइड किया गया था बहुत सारी कास्ट में, क्लासेस में। जो टाउन है उसको डिवाइड किया गया था इनटू फोर्टिफिकेशन, एक तो फोर्ट वाले एरिया में डिवाइड किया गया था टाउन को, एक हाउसिंग एरिया में जहाँ पर घर थे, एक जहाँ पर फोर्ट्स वगैरह थे। जो रिच पीपल थे और जो रूलिंग क्लास थे वो टाउन फोर्ट्स में रहती थी, जो फोर्टिफिकेशन फोर्ट वाला जो एरिया है ना वहां पर रिच क्लास रहती थी, रूलिंग क्लास। और जो फोर्टिफाइड एरिया था धोलावीरा का, वो डिवाइड किया गया, धोलावीरा का जो फोर्टिफाइड एरिया था ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि रूलिंग क्लास वुड एक साइड, तो रूलिंग क्लास रह रही थी और दूसरी साइड जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स थे, जो शासन चला रहे थे वो ऑफिसर्स, उस दूसरी साइड रह रहे थे।
धोलावीरा में सिक्योरिटी और स्पेशल फैसिलिटीज को भी देखा जा रहा था। फोर्ट के एरियाज में वो भी थे वहां पर, ट्रेडर्स, सोल्जर्स, ऑफिसर्स, क्राफ्टमैन, लेबरर्स जो है रेजिडेंशियल एरिया में रहते थे, और जो पीपल थे इस क्लास के, जो पीपल थे ना इस क्लास के, वो कहाँ रहते थे, टू सेपरेट रेजिडेंशियल एरिया इन धोलावीरा। धोलावीरा में जो दो अलग सेपरेट रेजिडेंशियल एरिया है ना, वहां पर रहते थे पीपल यहाँ के। जो रेजिडेंशियल एरिया है हरप्पा में और मोहनजोदड़ो में वर नॉट इवन सराउंडेड, जो उनको रैमपार्ट से ही सराउंड नहीं किया गया था, लेकिन जो वहां पर फोर्ट भी पाए, जो वहां पर किले वगैरह भी है ना वहां के, उनके भी एविडेंसेस जो है पाए गए हैं कालीबंगा में, लोथल में, बैनावली में, धोलावीरा में। तो जो मोहनजोदड़ो है और हरप्पा है वहां पर रैमपार्ट ही नहीं लगाए गए, लेकिन जो एविडेंसेज ही पाए गए हैं फोर्ट्स के कालीबंगा, लोथल, बैनावली, धोलावीरा में। सोसाइटी के अंदर जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है और अदर क्लासेस है वो, जैसे कि फार्मर्स, पोर्टर्स, कारपेंटर्स, सेलर्स, लेबरर्स, ज्वेलर्स एंड वीवर्स, ये भी वहां पर उस टाइम पर सोसाइटी में थी। जो पीपल थे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के, वो दोनों थे, वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेज भी थे। इनका जो मेन खाना है वो था बार्ले, वीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, मीट में था फिश, शिप, गॉड, पिग्स एक्सेट्रा। कुकिंग के और जो खाने को ग्राइंड करने के लिए जो है वो भी एविडेंसेस पाए गए हैं ओवन के अंदर, और एक स्टोन ग्राइंडर, पत्थर को ग्राइंड करने का चक्की भी जो है ना वो भी पाई गई है वहां पर खुदाई के बाद। प्लेट्स वगैरह, ग्लासेस, बॉल्स, पॉट्स भी पाए गए हैं खाने के लिए। जो वहां के इनहैबिटेंट्स जो वहां पर रह रहे थे सिंधु सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में, पर्टिकुलरली वो क्लोथिंग के, कपड़ों के और जो ज्वेलरी आभूषण के, उनके भी शौकीन थे। जो स्टोन आइडल थी, जो मूर्तियां मिली है वहां से मोहनजोदड़ो में, उसके अंदर भी क्या पाया गया है, एक ऐसा शाउल पाया गया है, एक ऐसा व्यक्ति मिला है, एक ऐसी मूर्ति मिली है जो कि क्या ओढ़ा हुआ है, शोल को ओढ़ा हुआ है, और जो शोल है उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे जो आभूषण है वो जड़े हुए हैं। वो हुज लेफ्ट शुड, जिसका जो लेफ्ट शोल्डर है वो कवर किया गया है, मतलब उस शोल से पूरा का पूरा कवर है, लेकिन जिसका जो राइट वन है वो ओपन है, वहां पर कोई शाल वगैरह नहीं है। जो मूछे थी और जो बियर्ड थी, वहाँ की दाढ़ी थी, वो कैसी थी, बिल्कुल ग्रूम थी, बिल्कुल तैयार रखते थे वो। जो हेयर है, बालों को वो बांधे रखते थे एक लेस के साथ, और जो आर्मलेट है, जो बाजूबंद है ना, वो राइट हैंड इज टाइड ऑन द राइट हैंड पर वो बाजूबंद क्या करते थे, बांधते थे। अनदर जो मूर्ति है, तो ये वहाँ की मूर्ति के बारे में बताया गया है कि उसमें बाल बांधे हुए हैं राइट पर, और जो लेफ्ट पर है वो उन्होंने बाजूबंद लगाया हुआ है। जो अनदर आइडियल फाउंड किया गया है वो है एक ट्रांसपेरेंट गारमेंट, एक ट्रांसपेरेंट गारमेंट जो कि वेस्ट पर है बंधा हुआ है। नेकलेसेस, आर्मलेट्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स जो है मेनली वहां पर आभूषण के तौर पर पहनी जाती थी। दोनों के दोनों मैन एंड वुमेन जो है ज्वेलरी को पहनते थे, जिससे इंडिकेट करते हैं वहां की आर्टिस्टिक, जहां की जो लोग हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे यहाँ की आर्ट में। जो रिच है वो यूज करते हैं, वो पहनते हैं ऑर्नामेंट्स को जो कि गोल्ड सिल्वर से बने हुए हैं, और सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, आइवरी, हाथी के दांत वो भी पाए गए हैं। वाइल जो पुअर है वो कैसे ऑर्नामेंट्स, कैसे आभूषण पहनते थे पुअर वहां के, जो कि क्ले से बने होते हैं, जो कि बोन से बने होते हैं, जो कि स्टोन से बने होते हैं, वैसे वो वहां के आभूषण पुअर उस चीज से पहनते थे। जो अमीर है वो गोल्ड, सिल्वर और सेमी प्रीशियस स्टोन्स और हाथी के दांत से बने हुए आभूषण पहनते थे। जो पीपल है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का, उनका एक अलग ही इंटरेस्ट था हेयर स्टाइल्स में। दे मेनली यूज, वो मेनली यूज करते हैं आइवरी कॉम्ब्स, जो हाथी के दांत से जो बने हुए जो वो है ना कॉम्ब्स, उनको यूज करते हैं। डांस आइवरी कॉम्ब्स और कॉपर मिरर्स को यूज करते हैं वो। जो वुमेन्स थी वो काजल लगाती हैं, सुरमा लगाती है, सिंदूर लगाती है। जो गेम थे जैसे कि चेस हो गया, डांस वर द मेन मीन्स थे एंटरटेनमेंट के। जो पीपल थे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का वो बहुत ही शौकीन थे हंटिंग के। देवर वहां पर झुंझुना भी पाया गया है, टॉयज पाए गए हैं, विसल्स पाई गई है, कार्ड्स पाए गए हैं, जिस जो कि चिल्ड्रंस वहां के एंटरटेन करते थे इन चीजों से। अब वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं, वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में। जो रीजन है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का वो बहुत ही फर्टाइल था, मेनली जो कि वीट, बार्ले, राइस, मूंग मतलब मसूर की जो दालें हैं, मूंग और लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल, पीस, मस्टर्ड, कॉटन, सीसम एक्सेट्रा को वहां पर कल्टीवेट करते थे, उगाते थे। स्पेशल टाइप्स की जो क्रॉप्स है, मेथड्स ऑफ प्लांटिंग, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, इरिगेशन सिस्टम भी वहां पर देखने को मिलता है, जिससे कि वहां की मेथड बता रखा है एग्रीकल्चर कैसे डेवलपमेंट की गई थी। जो स्टोन सिकल है वो मेहगढ़ से पाया गया है, ये जो है ना ये मेहगढ़ से पाया गया है, मेहगढ़ से। और जो प्लोइंग फील्ड है, ये जता हुआ जो खेत है, ये कालीबंगा से पाया गया है। और एक सैंपल पाया गया है प्लोग का बानावली से, ये जो कि वहां की हाई डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को दिखाते हैं।
लार्ज कलेक्शन सेंटर्स जो है वो रिवील करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को. बुल्स हो गए, काउज हो गए, बफेलो हो गए, शिप हो गए, गॉड्स, डोंकी, पिग्स जो है मेनली वहां पर पालते थे इन एनिमल्स को सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में. वो जो है यूज मिल्क के लिए यूज करते थे, उनको मीट के लिए यूज करते थे, और खाल के लिए यूज करते थे, और वूल के लिए यूज करते थे इन सभी एनिमल्स को. बुलक्स जो बुक्की थी उनको यूज करते थे एग्रीकल्चर के वर्क के लिए और एज वेल एज ट्रांसपोर्ट के लिए भी. जो पीपल थे उस सिविलाइजेशन के वो डोमेस्टिकेटेड थे, हॉर्सेस एंड कैमल्स को भी वो पालते थे. जो रियरिंग थे एलिफेंट्स को भी फिर वो उन्होंने पालना शुरू कर दिया. अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा जो है एविडेंसेस पाए गए हैं जंगली जानवरों के, जैसे जंगली सूर हो गया, चिंकारा, डियर हो गया, लार्ज इंडियन एंटेलॉप, मृग हो गया, और जो एंशियंट और भी जो वॉटरफॉल मतलब कि जो जल पक्षी है और बर्ड्स है वो भी पाए गए हैं. एविडेंसेस पाए गए हैं किस इसके हाई लेवल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को फाउंड किया गया है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में. जो पीपल थे सिंधु के वो सरस्वती के वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट थे, स्किल्ड थे मेटल्स को कास्ट करने में, मेटल्स से जो चीजें हैं उनको बनाने में, जैसे मेटल से वो ज्वेलरी बनाते, टूल्स बनाते, इंप्लीमेंट्स बनाते, वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थे इस काम में. वेरियस टाइप के जो ऑर्नामेंट आभूषण थे वो कैसे प्रीशियस स्टोन्स से, शंख से, शेल्स से, सीप से, दांत हाथी के दांतों से वो अलग अलग टाइप के आभूषण बनाते थे. एविडेंसेस पाए गए हैं कार्लेनियन, कार्लेनियन एक सेमी प्रीशियस स्टोन है जो कि रेड कलर का था. सो एविडेंसेस पाए गए हैं कार्लेनियन के राखी गढ़ी से और बिद्राना से, और फेंस, फेंस मतलब कि जो प्लेट्स है वो टिग्राना से पाई गई है. स्टीटाइट वर्कशॉप जो है मनहेरू से पाई गई है. पोटरी और जो ब्रिक की इंडस्ट्रीज है, ईंटों की जो इंडस्ट्रीज है, एनग्रेव क्राफ्ट जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है डेवलप थी उस टाइम पर, चालू थी. परहैप्स एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट जो है वो भी पाया गया है इस पीरियड में. अब देखो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट क्या है? कंट्री के अंदर आना, एक्सपोर्ट कंट्री से बाहर जाना. सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सिस्टम और जो मेजरमेंट का, वेट का, करेंसीज का, नेचर एंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रो लाइट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, ये देखो क्या था वहां पर. उस समय पर मेटल्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो थे ना उनको लेकर आया जा रहा था, इंपोर्ट किया जा रहा था, और जो लोकल गुड्स थे उनको दूसरी कंट्री में बेचा जा रहा था. डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड जो है टुक प्लेस बोथ. जो है जो ट्रेड थी ना वो लैंड से भी और सी से भी की जा रही थी. लैंड से तो कर रहे थे वो बुलक कार्ट्स, बग्गी से, और जो सी से है ना, सी से कैसे पता चला कि सी से भी रूट होती थी, वहां से सी से भी ट्रांसपोर्ट करते थे. तो मोहनजोदड़ो में एक ना मोहर पाई गई है, उस मोहर पर एक जहाज छपा हुआ है जिससे ये पता चलता है कि वहां पर जो है सी की हेल्प से भी, सी रूट से भी ट्रांसपोर्टेशन होती थी. क्ले टॉय बोट फ्रॉम द लोथल और मोहनजोदड़ो से पाई गई है वो मोरिंग्स जिसके ऊपर जहाज बने हुए हैं. मेसोपोटामिया रिकॉर्ड शो करता है दैट दे हैड ट्रेड. मेसोपोटामिया जो है वो दिखाता है कि जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का जो एक साइट है मेहलू, उनके साथ ये ट्रेड करते थे. एविडेंसेस पाए गए हैं पोर्ट्स के, ऑल्सो हैव बिन फाउंड फ्रॉम लोथल में पोर्ट के एविडेंसेस पाए हैं. एक लार्ज अमाउंट ऑफ वेट भी पाया गया है, स्केल पाए गए हैं, एग्जर्वेशन खुदाई के बाद पाए गए हैं. तो जो यूनिट होती है एक वेट की, भार की, वो जिंदा रेशियो, वो 16 की रेशियो में थी. ओइस्टर स्केल्स मोहनजोदड़ो से और आइवरी स्केल्स जो है लोथल से पाए गए हैं. अब रिलीजियस लाइफ देखो वहां की कैसी थी. जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का वो है वहां का रिलीजन. हुज मैनी एलिमेंट्स कंटिन्यूड, जो रिलीजन उस टाइम पर चल रहा था उसके कुछ एक चीजें जो है वो आज के टाइम पर भी प्रचलित है, वो चलती हैं. जो पीपल है वो वर्शिप, पूजा करते हैं मदर गॉडेस की. एविडेंसेस पाए गए हैं इसके टेराकोटा फिग्रीन्स से. जो सील्स हैं, मोहरे जो है वो पाई गई है फीमेल फिग्रीन्स की, फीमेल की फिगर्स की जो है मोहरे भी पाई गई है. कुछ एक जो टेराकोटा की फिगर्स है जैसे कि मदर गोडेस की हैव ट्रेसेस ऑफ स्मट, उसमें थोड़ा सा मैल वगैरह भी लगा हुआ है. सो देर एक पॉसिबिलिटी है, एक ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो सम ऑब्जेक्ट्स में हैव बीन बर्न, कुछ एक जो ऑब्जेक्ट्स वो जल गए हैं फॉर वर्शिप इन फ्रंट ऑफ दीज फिग्रीन्स. इन फिगर्स के सामने कुछ एक चीजें जो है जल भी चुकी है. इन दिस सिविलाइजेशन में जो वर्शिप थी ऑफ मदर गोडेस की वो प्रचलित थी इन द फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ गोडेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स पार्ट्स. तो प्लांट की और एनिमल्स की और गोडेस की ये यहाँ पर पूजा भी करते थे. वहां पर पशुपति शिवा को पाया गया है. इन द एंटीक्यूज ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में पशुपति शिवा भी पाए गए हैं.
ये रही यहाँ दिखा रखा, एक मोहर पिली है जिसके मोहनजोदड़ो से, जो क्या डिपिक्ट करती है कि वहां पर ना एक तीन हेड का मैन था विद हॉर्न्स और उसके सींग थे, जो कि योगा पोस्चर में गद्दी पे बैठा है, और उसके राइट साइड में एलिफेंट और टाइगर है, और इसकी लेफ्ट साइड में राइनोसोरस और बफेलो हुआ, और जो नीचे है ना, नीचे थ्रोन उसकी गद्दी के नीचे दो हिरन जो है खड़ी है, टू ईयर स्टैंड। जो ये फिगरीन्स है, जो ये फिगर है पशुपति शिवा की, ये वहां से पाई गई है, ये पशुपति शिवा की फिगरीन्स थी। शिवलिंगा जो है वो भी वहां पर पाया गया है, जिससे पता चलता है लोग वहां पर वर्शिप करते थे। देर इज एक और एविडेंसेस पाया गया है कि जो एनिमल की, मतलब पशुओं की पूजा करते थे, ट्री की भी पूजा करते थे इन द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में। मेनली एक वन हॉर्न एनिमल पाए गए हैं, बुल स्नेक पाए गए हैं, पीपल ट्री मिला है एक्सेट्रा, जो है वर्शिप किए जाते थे। योगा का भी जो है, इसके बाद देखो, योगा हैज ऑल्सो बीन इम्पोर्टेंट था, पीपल के अमंग योगा भी करते थे। वहां पर एक सील पाई गई है मोहन जोदड़ो में, जो कि एक मैन जो है पद्मासन पोस्चर में बैठा है, और एक अनदर एक मोहर मिली है जहां पर एक व्यक्ति एक हाफ ओपन आईज, अपनी आधी आंखों को खोले हुए योगी, मतलब योगा के पोस्चर में बैठा है, आधी आंखें खुली है, वो फोकस कर रहा है अपने नाक की टिप पर। और इसी वे में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है योगा की, वो मिली है सील्स पर। स्वास्तिक सिंबल भी पाया गया है कुछ एक मोहरों के ऊपर। जो मेथड्स है यहाँ के फनरल राइट्स के, जो लोग मरते हैं ना आत्म, जो संस्कार करते हैं उनका, तो वो भी प्रचलित था उस टाइम पर। तो क्या क्या था वहां पे चालू था, देखो, एक तो कंप्लीट ब्यूरियल था, एक पार्शियल ब्यूरियल था, एक क्रीमेशन था। अब देखो, मोजेलियम जो यहाँ पर लोगों को दफनाते हैं, जो उनका अंतिम संस्कार करते हैं, वो टाउन्स के बाहर होता था। तो जो एविडेंसेस है इसके, वो हमें पाए गए हैं फरमाना, राखीगढ़ी और भी जो अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स जगह है वहां से। जो हेड होते हैं डेड बॉडीज के, वो प्लेस नॉर्थ की साइड करते हैं, पैर उनके साउथ की साइड करते हैं। पोटरी, ज्वेलरी, टूल्स वगैरह उनके स्केलेटन के साथ ही दफनाते हैं। अब देखो, कॉजेस क्या है, अब जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन क्यों हो गई, खत्म क्यों हो गई। सबसे पहला रीजन है एडमिनिस्ट्रेशन, स्टिग्नेशन, जो वहां का शासन था उसमें कमी आ गई। इन द लास्ट फेज ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के लास्ट फेज में वहां पर शासन में कमी आ गई। एज अ रिजल्ट जो साइज है सेटलमेंट का, वो श्रिंक हो गया, जो साइज था ना सेटलमेंट का वो कम हो गया, और जो क्लीननेस थी, जो लोग सफाई करते थे, वो बहुत कम हो चुकी थी। देर वॉज एन इंक्रोचमेंट ऑन द स्ट्रीट्स एंड एलिस, जो वॉल्स थी स्टार्टेड वो कम लेस वाइड होने शुरू होगी, और जो ओल्ड पुराने घरों की जो ब्रिक्स थी, उनको नई घरों की ब्रिक्स में यूज करते थे, जिसकी वजह से जो अर्बन सिविलाइजेशन है वो रूरल कल्चर में डेवलप हो गई। सेकेंड, वहाँ का क्लाइमेट चेंज, देखो क्लाइमेट चेंज कैन बी कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल बोला जा सकता है डिक्लाइन ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की। डिक्लाइन के लिए क्लाइमेट भी एक रिस्पॉन्सिबल रीजन है, जिसकी जैसे रेनफॉल है, जो रेन है, जो बारिश है, वो बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से रिवर सरस्वती सूख गई, और जिसकी वजह से सेटलमेंट है वो भी डिस्ट्रॉय होगी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में। थर्ड है जो फ्लड है, फ्लड आ गई वहां पर, बाढ़ का जो एविडेंसेस है वो पाए गए हैं खुदाई करने के बाद मोहनजोदड़ो में, चोहनजोदड़ो में, लोथल में, बगतराव में। इट इज स्पेकुलेटेड दैट फ्लड मस्ट हैव, इसे ये पता चलता है कि जो फ्लड है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए। फोर्थ है डिक्रीज इन द फॉरेन ट्रेड, जो ट्रेड हो रहा था उसमें डिक्रीज हो गया। ड्यू टू द डिक्रीज इन फॉरेन ट्रेड में डिक्रीज होने के कारण सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो वीक होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो डिमांड थी लोकल प्रोडक्शन की वो इंक्रीज हो गई। कि अब देखो, जो पॉपुलेशन बढ़ गई वहाँ पर, पॉपुलेशन बढ़ गई तो अब उनको डिमांड भी करते हैं वो कि अब ज़्यादा से ज़्यादा खाना वगैरह चाहिए, तो इंक्रीज चाहते हैं वो गुड्स में, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पीपल की तो डिक्लाइन हो गया, जो कि एक मेन रीज़न है डिक्रीज इन द फॉरेन ट्रेड, और जिससे कि डिक्लाइन हो जाता है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। फिफ्थ है एपिडेमिक, एक स्टडी की गई है कि जो 42 के ह्यूमन स्केलेटन्स जो है मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं, जो ये शो करते हैं कि जो 41 पीपल्स थे ना, वो किससे मरे हैं, मलेरिया से मरे हैं, और जो एक पीपल है वो भी मर गया होगा भाई, 41 मर गए तो एक इंसान भी सदमे में जाकर कोई ना कोई रीजन से मर जाता है, तो 42 स्केलेटन्स वहां पाए गए हैं। ये स्पेकुलेटेड है कि जो ये स्पेकुलेट करते हैं कि जो डिक्लाइन है जो इस सिविलाइजेशन का, वो क्या है, एपिडेमिक्स की वजह से भी होते हैं। तो चैप्टर 1 क्लास 10 सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन कंप्लीट होता है, और जो इसके बाद मेजर सिविलाइजेशन सेकंड चैप्टर है, उसकी मैंने जो है पहले ही वीडियो बना रखी है, नोट्स की हेल्प से मैंने उनको नोट्स में कन्वर्ट किया है, और वो इजीली तरीके से आपको समझ में आएगा। अब एक बार वीडियो देखना, आपको समझ में जरूर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।